हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जी कुमार और इस वीडियो में मैं कुछ यूपीएससी से रिलेटेड नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो अभी त्रासदी चल रहे हैं भारत में, जो डिजीज चल रहे हैं, जो कि आप लोग सभी परिचित हैं जिस चीज़ से, डेट इज़ अ कोरोना वायरस, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं या फिर टेलीविज़न में सुनते हैं, तो वहाँ पर शब्द आता है नोवल कोरोना वायरस। तो नोबल क्या है पहले समझिए, ये जैसे ही आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वायरस क्या है। देखिए दोस्तों, नोबल का मतलब होता है न्यू एंड ओरिजिनल, नया और एकदम ही नया, समझे, नया है और एकदम ओरिजिनल है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कि नोबल कोरोना वायरस है, ये ऐसा पहले कभी आया ही नहीं था, ह्यूमन बींग में ऐसा डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, वायरसेस बहुत काइंड के हो सकते हैं और ये वायरस के प्रजाति में ही एक ऐसा आता है प्रजाति, जिसको हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका यदि फुल फॉर्म किया जाए तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सार्स कोव 2 भी कहते हैं। और जो इससे ग्रसित जो बीमारी है, जो डिजीजेस है, उसको हम लोग कहते हैं कोविड-19। ओके माई फ्रेंड्स, और इसके जो फैटेलिटी रेट है दोस्तों, फैटेलिटी रेट मतलब क्या है कि 100 लोग हुए बीमार तो उसमें कितने लोग चल बसे, कितने लोग वहाँ से मृत्यु हुआ उनका, तो ये सभी क्या है, फर्टिलिटी रेट है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फर्टिलिटी रेट इसका क्या है, 4-5%, यानी कि बिलो 5%। अब देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस एक्चुअली नया चीज़ नहीं है, 1960s में भी हुआ था, मगर कोविड-19 जो ये बीमारी है वो नया है। वायरस ऐसा वायरस 1960s में भी पाया गया था और उसका भी सिम्टम्स कफ एंड कोल्ड ही था। ओके माय फ्रेंड्स, और जो कोरोना वायरस है ये एक जूनेटिक डिजीजेस है। जूनेटिक डिजीज मतलब है कि एनिमल्स से आदमी में आना और फिर आदमी से फिर दूसरे आदमी में आना, यानी कि एक कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ओके माय फ्रेंड्स, अब समझिए कि स्प्रेड यानी कि कैसे फैलता है ये बीमारी, ये कोविड-19 कैसे फैलता है, ये डिजीजेस जो भी है। देखिए, बिटवीन पीपल, यदि आप 6 फीट के सर्कमफ्रेंस में हैं, यानी कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो भी परिचित है, यदि 6 फीट के दायरे में आते हैं तो ये फैल सकता है। किसके थ्रू? कफ एंड कोल्ड, स्नीच, खांसी किए, ठीक है, सर्दी हो गया, तो ये सभी एक तरीका है जिसके वजह से क्या फैल सकता है। उसके बाद अनहाइजेनिक कल्चर, जैसे कि मान लीजिए किसी से आप हाथ मिलाएं, उसके बाद आप हाथ धोए नहीं, तो वो जर्म्स, वो जो आपका वायरस, वो रह जाता है वहाँ पर और उसे क्या कंटामिनेटेड हो जाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, खुद आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, दूसरे को भी इन्फेक्शन दे देंगे। तो ये सभी चीज़ से बचना है, एक सैनिटेशन, एक प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, आपको ठीक से धोना है, हाथ धोना है, ठीक से अपने आप को स्वच्छ रखना है। अब देखिए दोस्तों कि कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 है, इसमें ट्रांसमिशन रेट इतना हाई क्यों है, इस बात को समझिए कि आमतौर पर जो 1960s में जो ट्रेस हुआ था कोरोना वायरस, ऑब्वियसली सी वायरस का प्रजाति है, तो उसमें जो बीमारी था वो बीमारी केवल लंग्स तक ही सीमित था, इन्फेक्टेड लंग्स को ही इन्फेक्ट करता था। मगर दोस्तों, ये क्या है कि आपका थ्रोट है, जो कोविड-19 जो अभी चल रहा है जिसके वजह से इतने लोग त्रासदी में अक्रॉस द वर्ल्ड, ये क्या है कि ये थ्रोट को इम्पैक्ट करता है, लंग्स को तो इम्पैक्ट करेगा ही, साथ साथ आपका थ्रोट को भी करेगा। अब देखिए, थ्रोट क्या है, ये दोनों सेक्शंस को जोड़ता है, ये अपर पार्ट को भी और लोअर पार्ट को भी, यानी कि बाय थ्रोट आप जब खांसी करोगे, ठीक है, सर्दी होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होगा, थूक प्रोड्यूस होगा और दूसरे लोग को इन्फेक्ट कर देगा, इसलिए इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब समझिए इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड क्या है कि कब इन्फेक्शन हुआ और कब आपको सिम्टम्स पता चला और किस पैरामीटर्स को देखते हुए आप बीमार हो गए, ठीक है, तो ये 2 से लेकर 14 दिन तक हो सकता है। यानी कि किसी पेशेंट्स को 2 दिन में ही पता चल सकता है कि उसको कोरोना है, यानी कोविड-19 है, और किसी को 14 या 15 दिन तक भी पता चल सकता है। तो इसके जो लक्षण है ये आपको 15 दिन के अंदर पता चल जाता है, ऐसा WHO का मानना है, रिपोर्ट है। ओके माई फ्रेंड्स, अब देखिए कि WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बड़े बड़े महामारी होते हैं, बीमारी होते हैं, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, वो सभी को गाइडेंस करता है WHO। अब WHO में कोई भी बीमारी को सबसे पहले घोषित किया जाता है PHEIC, इसका क्या फुल फॉर्म है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि पूरा दुनिया में कंसर्न हो गया उस बीमारी को लेके। तो ये जो आपका बीमारी है कोविड-19, ठीक है, जो डिजीजेस है, जो कि कोरोना वायरस कोव 2 से आया है, ये क्या है, इसको PHEIC भी घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों, और दुनिया में 6th time है जिसको PHEIC घोषित किया गया है। तो इससे पहले जानते हैं कि
5 times किसको घोषित किया गया है? तो वो स्वाइन फ्लू है, वो पोलियो है, वो आपका जीका है, और एबोला को 2 times घोषित किया गया था, PHEIC, और ये 6 times है जिसमें COVID-19 को, यानी कि आप लूजली कह सकते हो कोरोना को, 6 times वर्ल्ड वाइड PHEIC घोषित किया गया है। अब देखिए जो दूसरा डिक्लेरेशन है, जो कि सबसे चौंकाने वाला डिक्लेरेशन है, जो कि बहुत थ्रेट है, डेट इज़ अ पेंडेमिक। अब जानते हैं आप लोग, करंट अफेयर्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे इंडियन न्यूज़ हो चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ हो, सबसे परिचित है आप लोग। तो उसमें पेंडेमिक घोषित किया गया है दोस्तों। पेंडेमिक्स मतलब होता है कि जिस बीमारी की वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही थ्रेटन हो गया है, बहुत ही लोग दिक्कत में है इस बीमारी की वजह से। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले ये आपका जो COVID-19 है, इससे पहले स्वाइन फ्लू को 2009 में पैंडेमिक घोषित किया गया था। कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको ध्यान में रख के पैंडेमिक घोषित किया जाता है, जैसे कि आपका एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीन है। यदि पूरी तरह से दुनिया में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तब घोषित किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो वायरस है वो न्यू ब्रांड है, तो ये भी आपका न्यू ब्रांड है। मैंने पहले ही बोला कि वायरस तो बहुत तरह के होते हैं। कोरोना वायरस आपका 1960s में भी डिस्कवर हुआ था, मगर जो डिजीजेस है ये पहली बार ऐसा डिजीजेस आया है। एक देखिए, वायरस बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना, और कई वायरस ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करते हैं, मगर ये ऐसा वायरस का प्रजाति है जो ह्यूमन बींग को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा है। और आपका थर्ड वन है कि जिसका ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई हो। देख रहे हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा WHO की रिपोर्ट के हेल्प से आप लोग को। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स या प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स होना चाहिए ट्रीटमेंट, वो पूरा यूनिवर्सली नहीं है। अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, ये सब कारण है जिसके वजह से आपका COVID-19 को पैंडेमिक घोषित किया गया अक्रॉस द वर्ल्ड। अब समझिए माय फ्रेंड्स कि कॉमन सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या के कारण, मतलब क्या ऐसा कारण है कि जिसके वजह से आपको कोरोना वायरस होती है। तो देखिए दोस्तों, COVID-19, डेट इज़ योर COVID-19, फर्स्ट वन इज़ ए फीवर, यदि आपको बुखार लगे। दूसरा है टायर्डनेस, थकावट फील हो आपको। थर्ड वन इज़ ड्राई कफ, यदि गीला कफ हो रहा है आपको, गीला खांसी हो रहा है, तो वो भी एक कारण बन सकते हैं। और जो सबसे मेन रीज़न है, डैट इज़ योर शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं और उसके बाद जो सांस आप छोड़ रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसमें कोई टाइम नहीं बच पा रहा है, यानी कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंतर ही आप क्या कर रहे हैं, सांस को छोड़ दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमुख वजह हो सकता है कि आपको COVID-19 हो सकता है, यानी कि सिम्टम्स है। मैं दोस्तों, आप एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर एम्स के डॉक्टर बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं यूट्यूब पे, उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी सिम्टम्स पाए गए कि रनिंग नोज, यदि कि जो पेशेंट COVID-19 से पीड़ित है उसका नाक बह रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, ये कुछ कुछ पेशेंट्स के लिए, ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होगा। और जो सोर थ्रोट, लास्ट रीजन है सोर थ्रोट, यदि आपका थ्रोट क्या हो रहा है, सूख रहा है, बार बार सूखा हो रहा है, गीला हो रहा है, सूखा हो रहा है, तो ये सभी कारण हैं जिसके वजह से आप कह सकते हो कि किसी को COVID-19 हो सकता है। तो ये सभी चीज़ यदि आपके अंदर पाया जा रहा है या हो रहा है या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही नियर बाय हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे चेकअप कराइए ताकि अगले वाले को इन्फेक्शन ना हो। अब देखिए दोस्तों, WHO का रिपोर्ट देखते हैं। अब समझते हैं कि लॉकडाउन, जो एक नए शब्द आप सुन रहे हैं बार बार न्यूज़ में, लॉकडाउन, ये क्यों, ऐसा क्या हुआ कि लॉकडाउन करना पड़ा अक्रॉस इंडिया। तो इसका पहले आप समझिए कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि 25th आपका मार्च 2020 में, उस तक का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताया गया है कि कन्फर्म्ड केसेस लगभग 3,75,000 है दोस्तों, और उसमें से डेथ जो हुए हैं लगभग 16,500, यानी कि 16,500 लगभग डेथ हुए हैं। यानी कि फर्टिलिटी रेट क्या हो गया, वही 4.7, यदि आप उसको मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते हैं तो आपको 4.6 फर्टिलिटी रेट है दोस्तों। और जो कंट्रीज जो इन्फ्लुएंस्ड है इसके वजह से, वो 196 कंट्रीज इससे इन्फ्लुएंस्ड है। ओके माय फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने कल ही देखा होगा, पीएम के स्पीच में ये भी मेंशन था कि जो पहले 1 लाख इन्फेक्टेड पर्सन्स थे और ये इन्फेक्शंस बढ़ने में 67 days लगे, ठीक है, जो नए फिर उसके बाद सेकेंड वाले जो 1 लाख हुए हैं उसमें ओनली 15 days,
और जो थर्ड वाले 1 लाख थे उसमें कितना हुआ है, 4 डेज में, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है दोस्तों। यानी कि ये महामारी है, ये बहुत कम समय में बहुत व्यापक रूप से फैल रहा है, तो समझे दोस्तों। अब मैं आपको डेटा के थ्रू बताना चाहूँगा और मैप के थ्रू बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या है। ओके माय फ्रेंड्स, दोस्तों मैं मैप के थ्रू, वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ कितने इन्फेक्शन्स हुए हैं और कितना इसका फैटेलिटी रेट पाया गया, कितने लोग मृत पाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, चाइना, चाइना जानते ही हैं, चाइना से ही स्टार्ट हुआ है। चाइना में लगभग 81,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और इसमें से लगभग आपके 3,281 लोग डेथ हुए हैं, तो इसका भी फर्टिलिटी रेट बिलो 5% हो जाएगा। उसके बाद देखिए इटली, तो आप जानते ही होंगे, ये इटली यूरोप का पार्ट है जी। इटली में क्या हुआ, लगभग 69,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और लगभग 6,800 लोग मरे हैं यहाँ पे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएस देखिए दोस्तों, यूएस ये है और ये आपका अलास्का का पार्ट, ये दोनों का पार्ट देखें तो यहाँ पे लोग लगभग 60,000 लोग अफेक्टेड हैं और इसमें से 808 लोग मृत घोषित हो चुके हैं। उसके बाद स्पेन देखिए, स्पेन यहाँ पे है, यूरोप का ही पार्ट है। स्पेन में यदि आप डेटा देखते हैं WHO का, तो इसमें लगभग 47,000 लोग अफेक्टेड हैं और जिसमें से लगभग 3,500 लोग चल बसे। यूके, ये यूके देख सकते हैं, ये वाला यूके, तो यूके में लगभग 8,000 लोग इन्फेक्टेड है और उसमें से 433, यानी कि 433 लोग यहाँ पे डेथ हो गए हैं। और जहाँ तक इंडिया का बात है, ये मैं डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, तो इंडिया का जो है 25 मार्च 2020 तक का डेटा ये है कि लगभग 606 लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड है और उसमें से 10 लोग मृत घोषित हो चुके हैं। जापान देखिए दोस्तों, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है जापान। जापान का यदि बात करते तो लगभग 1,100 लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड है और उसमें से 43 लोग वहाँ पे मर चुके हैं। चलिए नेबरिंग स्टेट्स का बात करते हैं, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लगभग 1,022, यानी कि 1,022 लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड है और उसमें से 8 लोग मृत घोषित हो चुके हैं। उसके बाद नेपाल, नेपाल में कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। उसके बाद भूटान का बात करें तो भूटान में 2 इन्फेक्टेड पाया गया, मगर किसी किसी को अभी डेथ घोषित नहीं किया गया है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में दोस्तों, जो कि इंडिया का नेबरिंग पार्ट है, नेबरिंग कंट्रीज है, अफगानिस्तान में 84 केसेस पाए गए हैं जिसमें से 2 लोग मृत घोषित हो चुके हैं। और श्रीलंका, श्रीलंका में दोस्तों 102 केसेस है और इसमें से अभी एक भी घोषित नहीं हुए हैं, मृत घोषित नहीं हुए हैं। तो ओके माय फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको इंडिया में क्या स्थिति है। तो दोस्तों इंडिया का बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, तो जानते हैं कि हाईएस्ट जो केसेस है इन्फेक्टेड पर्सन से, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 128 केसेस पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जान रहे हैं कि जैसे कि मैंने वर्ल्ड WHO का वर्ल्ड का बताया था, तो उसमें इंडिया का 606 लोग इन्फेक्टेड थे और 10 मृत पाए गए हैं, घोषित किया गया है। तो महाराष्ट्र का केस कितना है, 128 है। केरल का केस देखें, केरला का तो 109 केसेस है। पंजाब का 25 केसेस, लगभग 25 केसेस हैं। उसके बाद तेलंगाना का दोस्तों, तेलंगाना आप देख सकते हैं, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, ये तेलंगाना, तेलंगाना में आपका 35 केसेस पाएंगे जिसमें 10 फॉरेन नेशनल्स को पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि दिल्ली से कनेक्टेड है, उत्तर प्रदेश में 35 केसेस पाए गए हैं, दिल्ली में 30 केसेस, गुजरात में 33 केसेस, जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है अभी, यहाँ पे 7 केसेस पाए गए, लद्दाख वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें 13 केसेस पाए गए हैं। अब देखिए वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में 9-9 केसेस पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और बिहार, इसमें 3-3 केस पाए गए हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में 2 केस हैं माय फ्रेंड्स। पुदुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, मणिपुर। और छत्तीसगढ़, ठीक है, जो जानते हैं ये बस्तर रीजन, ये छत्तीसगढ़, ये सभी में एक एक केस पाए गए हैं। और देखिए दोस्तों, ये सब आप समझ सकते हैं कि यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कौन से स्टेट बचा है, तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बचे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ झारखंड अभी पूरी सेफ है। तो मगर ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह फैल रहा है महामारी, इस तरह ये पूरा फैल सकता है। ओके माय फ्रेंड्स, तो और समझते हैं पॉस। तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कि वर्ल्ड में क्या केसेस है, इंडिया में क्या केसेस है, तो अब आप लोग सहमत हो जाओगे कि लॉकडाउन क्यों करना पड़ा।
बहुत सारे कंट्रीज़ किए हैं, केवल इंडिया ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ किए हैं। अब मानते हैं कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा, मगर फिर भी यदि हेल्थ को बचाना है, ह्यूमन बींग को बचाना है, तो ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखिए, इस स्टेप्स को और दुरुस्त करने के लिए, एनहांस करने के लिए, जानते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1.5 लाख करोड़ का पैकेज हो सकता है आने वाले समय में दे। अब देखिए दोस्तों, व्हाट टू डू, इतना कुछ तो हो गया, आप हिस्ट्री जान गए कि कहाँ कहाँ इन्फेक्शंस हैं, तो आप लोग सहमत हो गए कि लॉकडाउन क्यों किया गया पूरे भारत में। अब समझिए व्हाट टू डू, क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि फॉलो लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हुआ है, हम लोग भरपूर सहयोग करें इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। 21 डेज आप घर में ही रहिए। दूसरा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है जी, खाना है ठीक से, न्यूट्रिशंस फूड खाना है, फिजिकल एक्टिविटीज से अपने आप को इन्वॉल्व करना है। आप योगा कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो, आप कसरत कर सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटी है वो आप करो। और जो पढ़े लिखे हैं तो आप पढ़ो, अच्छे से बुक पढ़ो, किताब पढ़ो, जो भी चीज़ मन लगता है पढ़ो, नोवेल पढ़ो, मैं एक प्रोडक्टिव टाइम करो, प्रोडक्टिव टाइम यूज़ करो उसका, ठीक है ना। एक जो प्रॉब्लम्स है, जो हर्डल्स है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है दोस्तों। और एडल्ट और चाइल्ड, आप जानते हैं, बिलो 5 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स, ये बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये हो सकता है इन्फेक्शन, इन लोग को ज़्यादा चांसेस है। तो क्या करना है दोस्तों, ये जो दो ग्रुप हैं, एडल्ट और आपके जो बच्चे के ग्रुप है, इसको बचा के चलना है, इसको जितना सुरक्षा दे सकते हो उतना सुरक्षा दीजिए। और हाँ, आइसोलेशन में रहिए, जितना हो सकता है उतना आइसोलेट करिए अपने आप को। और देखिए, बहुत बुरा लगता है देख के, मगर लोग अभी भी लॉकडाउन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लॉकडाउन को फॉलो करिए, प्रशासन को हेल्प करिए, ताकि 21 डेज में हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करें इस चीज़ को निपटने के लिए। ओके माई फ्रेंड्स, दिस इज द माई मैसेज, आई होप कि आपको फ़ायदा हो सकता है, नहीं भी हो तो फिर भी आप समझिए चीज़ों को, क्योंकि ज़रूरी है जो कि चल रहा है अभी पूरा समाज में, पूरा अक्रॉस इंडिया वर्ल्ड। तो आप तो समझ गए होंगे कि क्यों इसको घोषित किया गया है, आप मैग्नीट्यूड समझिए, इतना आसान नहीं जितना आप आसानी समझ रहे हैं कि यार किसी को हो गया हमको क्या होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी को भी हो सकता है। अवेयरनेस ही एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।